दोस्तों आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था उबेर से जो मुझे लास्ट वाला राइड मिला था अपने घर तक का, वो कस्टमर ना मेरे साथ पूरा स्कैम करने का कोशिश किया था। अगर मैं उस टाइम ठीक से नहीं देखता ना, ध्यान नहीं देता, तो लगभग 60 से 70 रुपया मेरा उस टाइम लॉस हो जाता। क्या स्कैम था, क्या फ्रॉड था, पूरा डिटेल में आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ उस टाइम हुआ क्या था। रात के करीब 11 बजे थे, ठीक है। एक घर के तरफ का राइड मिलता है मुझे, घर से लगभग 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में था उनका डेस्टिनेशन। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कस्टमर के लोकेशन पर पहुंचने के बाद कस्टमर को मैं जब देखता हूँ तो पता चलता है कि वो ड्रिंक किया हुआ रहा था, नशा किया हुआ रहा था, बट बंदा उतना भी नहीं किया हुआ था, ठीक ठाक बात कर रहा था। और जो बंदा था अमीर लोग का एज का था, मैंने सोचा चलो यार लेके चलते हैं, रात के 11 बज रहे, फिर पता नहीं इस तरह का राइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी इतना नजदीक है घर का, तो मैं उनको लेके निकल पड़ा वहां से। रास्ते में थोड़ा बहुत तो दिक्कत आया, रास्ते में पूरा बात करते रहते हम लोग आए, फिर उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट बीच रास्ते में उसने क्या किया ना, ड्रॉप लोकेशन अपना चेंज किया, चेंज करके लगभग उनके डेस्टिनेशन से लगभग 7-8 किलोमीटर पहले ही ड्रॉप लोकेशन वहां पे चेंज किया, चेंज करके फिर राइड को वहीं पे कंप्लीट कर दिया। इससे क्या हुआ ना कि जो डिस्टेंस था वो घट गया और अमाउंट भी घट गया। पिक करते टाइम मैंने उनसे पूछा था कि कितना अमाउंट शो किया, उसने बताया था 184 184 रुपये, ठीक है। बट मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट मैं बिराटी स्टेशन क्रॉस कर चुका था, उनको बिरयानी लेना था, बिरयानी की दुकान में रुकता। उस टाइम मैं मोबाइल तो मैं पॉकेट में रख लेता हूँ क्योंकि मुझे रास्ता मालूम था, तो लोकेशन देखने की जरूरत नहीं था क्योंकि घर ही आ रहा था मैं। तो मोबाइल निकाल के देखता हूँ कि राइड निकल चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। मैं देख रहा हूँ 136 रुपया और कंपनी ने लगभग 120-125 रुपया मुझे दिया था। और यार ये क्या हो गया, 184 रुपया बोला था राइड अपने आप, क्या मैं तो कुछ किया नहीं है। फिर पता चला कि बंदा ऐसा कुछ किया हुआ। दोस्तों मैं ना आप लोगों को वो पूरा वीडियो फुटेज दिखाता हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आप लोग खुद देखो, फिर उसके बाद कमेंट करके बताना कि आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। लोकेशन कस्टमर का यहीं पे शो कर रहा है, कॉल करते हैं यहाँ पे खड़ा होके। भाई पी के रखा हो क्या, पियो हो क्या, पियो ड्रिंक किया हो, गिर उड़ जाओगे यार, रिस्क तो मेरा हो जाएगा ना, कुछ नहीं होगा, रास्ते में गिर उड़ जाओगे कुछ, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो। उतना भी नहीं किया है भाई। नहीं एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, बंदा पूरा एकदम बेहोश हो गया था, बस आराम से बैठना है, बाइक भी थोड़ा ऊंचा है ना भाई, आराम से छोड़ देना उसको। अच्छा पेमेंट आप करेंगे, आप कर देंगे पेमेंट, कैश किया कि ऑनलाइन है, कैसे कैसे ऑनलाइन अभी नहीं होता है, पता है ना उबर का क्या चल रहा है, मुझे पता है। ठीक है बोलेगा ऑनलाइन है, बोले नहीं लेगा भाई। 184 है, आई गो 20 भाई, आराम से चलाना उसको, थोड़ा सा देख लेना। हाँ ठीक से जाऊंगा भाई, ঘরে গিয়ে কল করবি ঠিক আছে, দুগলি দড়ি নিয়ে আসবো, বেঁধে দেবো, এটা এটা লাগা, এটা লাগা না না, হাওয়া আয়েগা তো ঠিক রহেগা না, ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক दोस्तों, यहाँ पे ना पीछे इसका अलग ही नौटंकी चल रहा था, मैं तो ध्यान नहीं दिया, जब वीडियो देख रहा था तब पता चला कि ऐसा ऐसा कांड करके रखा है पीछे, और सामने सिग्नल में पुलिस चेकिंग कर रहा था। भाई ये बंदा देखो हेलमेट पहना है, टेप लगा के रखा है पूरा जोमैटो का, भाई हेलमेट भी बोल रहा है आप कब तक यूज करोगे मुझे, हेलमेट बोल रहा है कि आप कब तक यूज करोगे मुझे, अब तो नया खरीद लो। अबे रुक तो यार, अरे नतुन हेलमेट नहीं है ना, पूजा आससे तो की हो जाए अरे हेलमेट हमें हाथ में लेके घूमना, अरे भाई हेलमेट चोरी हो गया भाई का, मैं तो हेलमेट हमेशा साथ में रखता हूँ, हेलमेट बाइक पर नहीं रख के जाता हूँ, मैं अभी कहीं पे डिलीवर करने जाता हूँ हेलमेट लेके जाता हूँ, छोड़ के जाऊँगा तो चोरी तो होगा ही।
अभी ना अपने मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ और बस 4-5 किलोमीटर और बाकी है डिस्टेंस कंप्लीट होने में। और यहाँ पे मैंने ना एक चीज़ नोटिस किया, कैंसिल कर दिया इसने राइड। अब इसने जानबूझ के किया है कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। हो सकता है वहाँ पे आके बवाली करेगा। तो देखो ये राइड कैंसिल कर दिया यहाँ पे बिराटी में आके। देख रहे हो कितना सियानापंती किया है यहाँ पे बंदे ने। इसको लग रहा है कि बेवकूफ़ बनाएगा, ठीक है। 15 किलोमीटर का राइड है जबकि अभी भी वहाँ से लगभग बिराटी यहाँ से कैंसिल किया लगभग 10 किलोमीटर का है अभी भी। देखते इसको बोलूँगा। यहाँ पे तो कैश दिखा रहा है 136 रुपये लेने के लिए, इससे लूँगा कम से कम 180-190 रुपया। बंदा आने दे, डेढ़ सियाना बन रहा है। यहीं पे उसका दोस्त ने कैंसिल कर दिया था, मतलब ड्रॉप लोकेशन में पहुंचने से पहले ड्रॉप लोकेशन चेंज किया और वहीं पे कंप्लीट कर दिया। 184 रुपया इसका फेयर है दोस्तों, देख पा रहे हो ना, 184 रुपीज़। और इतना ही कुछ शो किया था, इससे 1 रुपया कम नहीं लेने वाला मैं। यहाँ पे कैश कलेक्टेड दिखा रहा 136 रुपया और मेरा अर्निंग दिखा रहा 129 रुपया। समझ में नहीं आ रहा। बंदे ने बहुत चालाकी से ड्रॉप लोकेशन चेंज कर दिया और बोल रहा है कि चलो आ गया। अरे जी दो, वन एटी फोर है, 184। हाँ 500 ना हो, 100 आज के ऑनलाइन ही आवा के दिए जाए, सब ऑनलाइन ही पे। हाँ जो नहीं, सब 100-200 नोट है, 50 नोट और 20 नोट आज एक। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है दादा, थैंक यू। तो ये जो कस्टमर थे ना, बहुत ही चालाक कस्टमर थे, मतलब ये आपके साथ भी हो सकता है इस तरह का फ्रॉड दोस्तों। एक्चुअली इसने किया क्या था ना, आप लोगों को मैं बताता हूँ, इधर से चलते हैं। इसने ये किया था, पहले तो यहाँ का ही ड्रॉप लोकेशन दिया था एग्जैक्ट, और जब मैंने इनको पिकअप किया था तब पूछा भी था कितना अमाउंट शो कर रहा, बताया था 184, 184 रुपया। ओके, उसके बाद बीच रास्ते में, मतलब बिराटी आने से थोड़ा सा पहले खालिशा कोटा बोल के जगह, वहीं पर राइड को कैंसिल कर दिया, ड्रॉप लोकेशन चेंज किया, उसको फिर वहीं पर कम्प्लीट कर दिया। अब यार समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। अब वहाँ पे तो ड्रॉप लोकेशन कम हो गया ना, डिस्टेंस कम हो गया, पैसा कम दिखाएगा, बट मुझे तो आपको उसको तो यहीं पे आके छोड़ना होगा, पैसा कम दे देना देंगे फिर। तो बंदा इतना स्कीम लगाया मैंने फिर देखा कि हाँ हिस्ट्री में दिख रहा है वो वाला ऑर्डर, ऐसा ऐसा कुछ कांड हो चुका उस पर। फिर मैंने देखा 184 उसमें शो कर रहा था, तो यहाँ पे मैं 184 उनको बोला, मेरे पास तो चेंज था नहीं, तो 16 रुपया भी एक्स्ट्रा मैंने ले लिया फिर उससे। मतलब वो मेरा मारना चाहता था, मैं उसका मार लिया यहाँ पे। सच में यार देखो इस तरह का स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। बंदे राइड बुक करेंगे 20 किलोमीटर का, 10-12 किलोमीटर जाने के बाद मतलब ड्रॉप लोकेशन चेंज करके राइड को वहीं पे एंड कर देंगे अपने एप्लीकेशन से। आपका राइड यहाँ पे दिखाएगा कंप्लीट हो चुका है, तो उससे क्या होगा ना, पैसा कम शो कर रहेगा। बंदा तो यार कम पैसा में ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लिया ना, कंपनी आपसे उतना ही पैसा लेगा, आपका ही लॉस होगा फिर। तो ऐसे लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो यार बच के रहना ऐसे लोगों से। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि कस्टमर ने कितना चालाकी से मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश किया, बट मैं सूझबूझ से मैं अपना पैसा सेव कर लिया, इवन तो उससे ज़्यादा पैसा ले लिया। तो भाई आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ ना, प्लीज़ कॉमेंट करके बताना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो बाइक टैक्सी फील्ड में काम कर रहे हैं ना, इस तरह का फ्रॉड उनके साथ कभी ना हो, और कभी अगर हो जाना तो बच सके इस चीज़ से। ओके okay?